बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद रसीम फ्रॉम एजुकेटर कसूर कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक और सब टॉपिक की बात करेंगे, दिस नेम इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया फोर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। इसमें भी हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स ही है। This other name is opposing force. अब opposing force क्या होती है? किसी चीज को आगे से रोकने के लिए जो चीज, जो आप force को use करते हैं, this force is opposing force. यानी कि अगर कोई body move कर रही है तो आगे से जो रोकने वाली force है, this force is opposing force or other name is friction. इसकी definition की तरफ चलते हैं। Definition क्या है? The force that opposes the motion of moving object. यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको आगे से रोकने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन का। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है? अब अगर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू बॉडी स्लाइड टू ईच अदर, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर स्लाइड किया जाए या रब किया जाए तो हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी डिपेंडेंस को देखते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल और प्रेसिंग फोर्स पे ये डिपेंड करती है, तो कैसे करती है। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करेगी, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और कैसे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक डस्टर है और मैं दूसरे ही डस्टर पर उसको रब करता हूँ तो मेरे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कुछ और होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, डस्टर की बजाय एक ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, एक ग्लास स्लैब को दूसरी ग्लास स्लैब के ऊपर स्लाइड करता हूं तो वो स्मूथली स्लाइड तो हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन वहां पर भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमें वो बिल्कुल जो सरफेस स्मूथ दिखाई दे रही है, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी, बल्कि उस पर भी कुछ छोटे छोटे आपको बम्स दिखाई देंगे, जो कि जिनको हम इनको देख सकते हैं विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ये भाई। लेकिन देखने में ये सरफेस बहुत स्मूथ नजर आएगी जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे ग्लास स्लैब को, लेकिन उसके ऊपर भी क्या होंगे, बम्स होंगे जिनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये इसके ऊपर नेचर ऑफ मटेरियल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जैसा हमने डस्टर की एग्जांपल ली और दूसरी हमने ग्लास स्लैब की एग्जांपल ली। इसी तरह अब ये डिपेंड करती है किस तरीके से प्रेसिंग फोर्स पे, प्रेसिंग फोर्स पे। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस मटेरियल के ये वाले दो सरफेस हैं आपके पास, कि आपने इसको इस पर मूव करवाना है, स्लाइड करवाना है, तो दोनों में प्रेसिंग फोर्स इस ने मटेरियल ने इस पर है जो आपके पास ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है। ये देखने में क्या है, एक बिल्कुल आपको एक स्मूथ सरफेस दिखाई दे रही है, लेकिन जब एक ये स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई भी सरफेस बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, बल्कि उस पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से बम्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं जो आप माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। अब ये एक सरफेस जिसको आपने दूसरी सरफेस पर मूव करवाना है, तो ये देखने में तो स्मूथ दिखाई देगी, लेकिन इस पर कुछ बम्स इस शेप में दिखाई देंगे, उनको हम नाम देंगे ओल्ड बेल्ट्स का। इसका नाम देंगे ओल्ड बेल्ट्स का नाम देंगे। आपके पास ये वाली जो चीज आ जाएगी, दिस इज ए ओल्ड बेल्ट। अब अगर आपके पास आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपके पास अपोजिंग फोर्स भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन, तो इस पर अपोजिंग फोर्स अगर एक्ट कर लिया तो हो सकता है 2 न्यूटन हो, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन की, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कुछ 3 समथिंग या 4 कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, कौन सी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रही है, अपोजिंग फोर्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद ये हमारे पास ओल्ड बेल्ट
व्हाट इज कॉल्ड वेल्स। तो ये आपको एक स्वतंत्र समूह दिखाई देती है, लेकिन बजाय वो समूह को दिखाई देती है, स्मूथ नहीं होती, उस पर कुछ बम्प्स और ड्रिफ्ट्स वगैरह आपको नजर आते हैं, दिस इज ए कॉल्ड वेल। अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन भी एक, जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओ अपोजिंग फोर्स बढ़ती जाती है, लेकिन ये भी क्या करती है, एक पॉइंट तक बढ़ सकती है, उसके बाद ये ओवरकम होना शुरू हो जाती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि अगर आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो उसको क्या कहते हैं आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिस पर रिलॉन करते हैं एफ एस ए, और एस एस को रिलॉन कर रहे हैं आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है कि अगर दो बॉडीज बिल्कुल रेस्ट में मूव करने से पहले उनमें जो वाली फ्रिक्शन होगी उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसके बाद आपने पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, आर किस चीज को शो कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शंस को, अदर इज वेट। अब वेट हमने पढ़ा किस स्केल पर होता है, वेट इज इक्वल टू एमजी, कि जैसे ही हमने वेट को बढ़ाया तो हमारे पास क्या हो गया, आपके पास ये वेट को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस तरीके से अगर मेरे पास जो है दो सरफेस हैं, अगर इसका वेट क्या है कम है, तो ये इजीली मूव कर जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूँ इसके वेट को बढ़ा देता हूँ, ये वेट की फोर्स बढ़ जाती है, तो वैसे ही आपके पास ये क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो फिर इक्वल का साइन लगा के फिर कोफिशिएंट यूज करते हैं, और वो कोफिशिएंट यूज किया म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, और इसको ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसका अदर नेम हम इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। अगर मैं यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू एफ एस आवर आर। तो ये आपके हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था फ्रिक्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजीद इसके बारे में कमेंट्स आप सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।